स्वागत है आप सभी का आरनाई न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आइए रुक करते हैं टॉप 10 न्यूज का। सीएम योगी ने श्रम दिवस के दिन ई पेंशन पोर्टल का किया उद्घाटन। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक रहे मौजूद। इस योजना के तहत योगी सरकार से रिटायर होने वाले कर्मचारियों के रिटायरमेंट के 6 महीने पहले से ही पेंशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 3 महीने बाकी रहने पर भुगतान के आदेश जारी हो जाएंगे। यूपी में बिजली कटौती की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बिजली की उपलब्धता को 2000 मेगावाट तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। विभाग का कहना है कि 10 दिनों में बिजली की समस्या काफी हद तक सुधर जाएगी। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा जालौन में औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। मंत्री एके शर्मा जब बिजली उपकेंद्र पहुंचे तो वहां कई अधिकारी और कर्मचारी नदारद मिले। राज्य में बढ़ती बिजली समस्या के तहत ऊर्जा मंत्री ने उपकेंद्र में बिजली के रोस्टर को चेक किया। आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री संजय निषाद सरकारी व्यवस्थाओं के निरीक्षण के लिए क्षेत्र पहुंचे, जहां एक स्कूल पर लगे ताले को देखकर भड़क गए और अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। छात्रों से बातचीत में जब पता चला कि ना तो शिक्षक पढ़ाने आते हैं और ना ही मिड डे मील मिलता है, तो संजय निषाद ने तुरंत एक्शन लेते हुए शिक्षकों के खिलाफ निलंबन के आदेश दिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ईद के बाद पार्टी के संगठनात्मक बदलाव करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अब पार्टी की कार्यकारिणी सुधारने के लिए साफ छवि और सुझारू लोगों को कमान सौंपने की तैयारी की जा रही है। ये बदलाव प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक होगा, जहां सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष की रणनीति पर काम होगा। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने लाउड स्पीकर उतारे जाने के मामले में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि विभिन्न धार्मिक स्थलों से अब बिना किसी भेदभाव के 53,942 लाउड स्पीकर उतारे गए हैं, तो वहीं लगातार चले अभियान में तकरीबन 60,295 स्पीकरों की आवाज कम की गई है। आगरा के राजा मंडी स्टेशन पर राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। परिषद के अध्यक्ष गोविंद पाराशर ने कहा कि रेलवे द्वारा मंदिर को तोड़ने का नोटिस देकर हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर रेलवे मंदिर हटाने के अपने फैसले पर अभी अड़िग है। जगतगुरु परमहंसाचार्य ने ताजमहल को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 मई को आगरा के ताजमहल में शिवजी की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। साथ ही उन्होंने देश के सभी सनातन धर्म को मानने वाले धर्माचार्य संत महंतों से अपील की है कि 5 मई को ताजमहल के पश्चिम गेट पर इकट्ठा हो। अलीगढ़ में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने सड़क जाम करके जमकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए हालात पर काबू पाया। नोएडा के गार्डन गैलेरिया में युवक की हत्या मामले से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि आपस में कुछ लोगों की कहासुनी हो रही है, जिसके बाद एक युवक के साथ कुछ लोग मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि इस मामले में युवक की मौत हो गई थी।